मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप्स ऑल ऑफ यू के वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30। और गाइस एक चीज आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो गाइस हमारे कमरे का हाल देख लो कितना बुरा हो रखा है। मीत हमारा सुबह सुबह ओट्स खा रहा है, हमारा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। मीत वो मुंह में मत ले लियो, एक्चुअली उसने हाथ में फिश वाले कैप्सूल पकड़े हैं तो मुझे डर लग रहा है कि वो मुंह में ना ले लिया, और इससे कुछ लेते हैं तो इतना हंगामा मचा देगा ना भाई, ये पूरा घर सर पे उठा लेता है भाई साहब, संभालना मुश्किल हो जाता है उसको बाद में। तो ठीक है गाइस, अभी हमारा क्या प्लान है, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारा बहुत तगड़ा प्लान बन रहा है कहीं पे जाने का। पुराने वाली वीडियो में आपको पता ही लग जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ठीक है गाइस, आगे का बोलो मुस्कान संभालती है। मैं शावर लेके आ चुकी थी और अभी मैं कर रही हूँ बैग पैक, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं पे और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। और मेरी मम्मी बना रही है सब्जी। मेरी मम्मी क्या बना रही है, क्या बना रही राजमा का मसाला तैयार कर रही हूं। थोड़े वादू बना लेना फिर हैं, क्योंकि चावल भी बनने हैं। इसमें दाल पालो ना थोड़ी सी काली के लिए, काली वाली दो दाल। तो गाइस राजमा की सब्जी बना लेते हैं, यहाँ पे दीदी हैं और सामने है हमारी भाभी। भाभी हेलो। लो जी आंटी अभी बैठी हुई, आंटी हेलो कर रही थी, मैंने कहा हेलो। तो गाइस अभी ना सामान पैक करती हूँ मैं, एक ये बैग, एक ये बैग, एक ये बैग, एक ये बैग। ये वाला बैग होएगा डीसी का और उसके पापा का, ये वाला बैग है पग का, ये वाला बैग है मम्मी का और ये वाला बैग है पापा का, ठीक है। और मेरा बैग और काके का बैग है ऊपर। अभी मैं ना काके के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, देखो ये रखे काके के कपड़े, तो मैं एक बार सारे के सारे ना काके के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ जो जो मेरे को लेके जाने हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना प्रेस गर्म करने लगा दी है मैंने, और यहाँ पे मीत के कपड़े हैं, एक तो ये वाला जोड़े ही लेके जाऊँगी, धो के रख लिया था मैंने, और है ना ये बड़ा सलवटो सलवटो में हो गया है तो इसलिए इसको प्रेस कर लेते हैं। और एक और काम गया इसका मीत का, एक ये वाली शर्ट, एक ये वाली शर्ट, इसकी एक ट्राउज़र, बनियान वगैरह सब कितने कपड़े हो जाते हैं वैसे बच्चों के, है ना। मेरे को लग रहा है इतने मेरे कपड़े जाएंगे जितने मेरे काके के कपड़े हो जाएंगे, सच में बच्चों के इतना बड़े कपड़े हो जाते हैं। बिना डीसी आ गया था, काके ने ना निकर गेली कर ली थी तो मैंने उसको निकर दिया, और है ना मेरी ये वाली आँख ना काफ़ी दिन से फड़की जा रही, काफ़ी दिन से मतलब इसको 10 दिन तो आराम से हो ही गए हैं फड़कते फड़कते, पता नहीं क्यों फड़क रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी आँख क्यों फड़क रही है, तो मेरी आँख खराब होने लगी है, ठीक है। कभी ये फड़कती है, कभी ये फड़कती है, ये वाली तो जाता ही फड़क रही है काफ़ी दिन से, तो कमेंट करके बताना कि क्या होता है आँख फड़कने से। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो लग रहा है मेरी आँखें वीक हो गई हैं, क्योंकि ना अब फोन का काम ज़्यादा हो गया मेरा एडिटिंग वगैरह का, मेरे को लग रहा है इसलिए ना मेरी आँखें वीक हो गई हैं। फिर ना मैं मेरा बीपी चेक कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को आज फिर ना मैं कल सुबह से ही ना लो लो सा फील हो जा रहा, पता नहीं क्यों घबराहट से हो रही घबराहट। देखते हैं अभी बीपी कितना आएगा। तो गाइज ऊपर वाला ही हल्का सा लो है, नीचे वाला तो फिर भी ठीक है। ये मेरी हार्ट बीट, ये लो है थोड़ा सा मामूली सा। तो गाइज यहाँ पे काके के कपड़े प्रेस हो चुके हैं, मेरे ना मम्मी के ये वाले सूट निकाले और इस वाले सूट की ना चुन्नी नहीं मिल रही, बाकी 3 की तो मिल गई, इसकी नहीं मिली। तो मम्मी से पूछते हैं मम्मी के सूट की चुन्नी कहाँ है। मम्मी आपके ग्रीन वाले सूट की चुन्नी कहाँ है? नहीं मिली मेरे को, ऊपर गई मैं, आप मैंने सारी अलमारी सेट की है अभी नहीं मिली, एक तो नहीं रहेगी, 3 तो निकल गई, एक रह गई। और अभी पापा हैं शायद से दूध लेने जा रहे पापा। तो गए यहाँ पे हमारी मासी का फोन आया हुआ, करना स्पीकर पे। मासी जी व्लॉग में आपकी आवाज ले रही हूँ, सुना दो कुछ। व्लॉग में की आपकी आवाज ले रही हूँ, शक्ल तो आएगी नहीं क्योंकि वीडियो कॉल नहीं है। अच्छा हाँ। लो करो करो बात करो आप मम्मी से पहले कर लो। तो गाइस मम्मी मासी से बात कर रहे थे ना, हम करते हैं अपने की तैयारी, क्योंकि मैंने एक छड़ का हटा दिया, क्योंकि उसमें से ना भी सामान निकालना है, वो निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद एक बैग तो हो जाएगा पैक और सामान रहेगा पड़ा जाएगा। तो गाइज अभी ना मम्मी और गए हैं दूध लेने के लिए, और मेरे को ना भूख सी लग रही थी, तो मैं क्या मम्मी को, मैं क्या मम्मी फिंगर चिप्स ले आना या कुछ और ले आना खाने का, तो मम्मी कहती मैं ले आऊँगी, ठीक है। तो
अभी मैं कुछ थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी ना दूध आ चुका है, मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ना राजमा खोल के देख लेती हूँ कि बने हैं या नहीं बने, और दूध रख देती हूँ पहले तो गर्म होने के लिए, नहीं तो फट जाएगा। अभी ना राजमा बने ही नहीं है तो मैंने दोबारा से रख दिए हैं, और मेरे को सामान का ना समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ क्या डालूँ, क्योंकि ना इतने सारे तो कपड़े सामान हो गया है तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। देखते हैं ट्राई करके। क्योंकि गेड़ी का टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 9, और गेड़ी और हमारी गाड़ी की हालत इतनी गंदी हो चुकी है ना पूछो क्या ही दिखाना उसको। नौने हाँ? इसको पता है ने कितना परेशान किया है। क्यों? बापा बाबा दादू के ऐसे कमीज पकड़ के ऐसे खींच रहा। अच्छा, मेरे को तो चलाने दे अब। नहीं चलाने दे नहीं तो पापा गाड़ी चलाएंगे चलाएंगे ऐसे आगे। ले तू चला ले, ले ले चला संभाल ले। रहने दो, ठोक देनी उन्हें। पता है कहाँ जाना है? तो गाइज अभी हम आए आइसक्रीम लेने के लिए। आइसक्रीम? यस आइसक्रीम। कौन सी लोगे? हाँ बताओ कौन सी लोगे। तो गाइस अभी निकल चुके हैं रात के गेड़े के लिए। आपको पता ही है हमारे गुग्गे ने गेड़ी मारनी होती है, और हमने ले लिए यहाँ पे। कितने हो गए? आइस कप 20 रुपए बस। फिर कितने हैं? ऑनलाइन डाल दे। तो गाइस जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा अभी के व्लॉग जो हैं थोड़े से छोटे हो रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सारा दिन ये घर पे रहती है और मैं रहता हूँ सारा दिन साइड पे, तो ना तो कहीं इधर उधर जा पाते ना कहीं यहाँ पाते, तो व्लॉग बन नहीं पा रहा अच्छे से। तो ठीक है गाइस आज की बात करता हूँ मैं। तो आज मैं कुछ बैठा बैठा खाली बैठा हुआ कमेंट्स रीड कर रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं क्या सोचते हैं। मैं तो वैसे कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं टाइम पास करने के लिए कमेंट रीड कर रहा था अपने, तो जो हमारे वीडियो पे आ रखे हैं कमेंट, वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कपड़े वगैरह पुराने दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं, पहने दिए हैं। भैया देखो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हमारी फैमिली है, और फैमिली में अगर एक दूसरे कपड़े हम डालते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। और अगर फैमिली ने सामने वाले ने कोई इज्जत से दिए हो तो भाई आप लोगों को पता है कि अपना समझ के देता है हर कोई, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज बार 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 भैया दिखाओ ना पहने हुए कपड़े दिए ये दिए वो तो दिए। भैया देखो हमारी फैमिली है, है हमें मिले हैं, देखो उन्होंने इज्जत मान से हमें ये चीज बख्शी है, तो भाई हमें एक्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे फालतू के कमेंट करके आप लोग सोच रहे हो कि या आप लोग बहुत बड़े बन जाओगे या कुछ बन जाओगे, तो भैया आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, सुधारो इस चीज को। और अगर व्लॉग नहीं देखने होते तो मत देखा करो, आके ऐसे गलत गलत कमेंट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें फील ही नहीं होता। भैया देखो जो होता है सारा फैमिली में होता है, फैमिली में हर चीज देखो एक दूसरे में हर चीज बराबर बढ़ती है, ठीक है। कोई इसमें वो बड़ी चीज नहीं है कि उसने पुराने कपड़े दे दिए डाल के दे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप लोग अगर इस चीज को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो डजंट मैटर, ये आपकी थिंकिंग है, तो इस थोड़ी सी थिंकिंग थोड़ा सुधार लो। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज पता है कि दैट आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई के या छोटे भाई के कपड़े डालते रहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगलों ने इज्जत मान से हमें दिया और अपनों को ही ये चीज दी, या हमें अच्छा लगा उन्होंने हमें दी और हम डालेंगे, ठीक है। हाँ जी डालेंगे तो दिख भी जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ तो ठीक है गाइस अभी करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट। और है ना गाइस आजकल ना हमें टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा सा व्लॉग बनाने का, तो जो कहते हैं कि आप लंबे व्लॉग डाला करो, इतने छोटे छोटे व्लॉग डालते हो, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे व्लॉग आएंगे ना 2-3 दिन वो शॉर्ट्स ही आएंगे और बड़े नहीं आएंगे, क्योंकि ना मेरे को टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा सा। अभी सिर्फ 2-3 दिन हमारे व्लॉग थोड़े कम आएंगे, शायद हो सकता है नहीं भी आएगा आधा दिन, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं और एक बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है आप सबके लिए। कम आएंगे या छोटे छोटे आएंगे, आएंगे लेकिन छोटे छोटे आएंगे, और बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए। इसके बाद व्लॉग लंबे चलेंगे, गेस करके ना जरूर बताना कि क्या सरप्राइज है आप सबके लिए। तो चलिए गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारा काका भी सो गया, हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं।